सालास ईगोमेज सुनने में जमीन पर कोई जगह लगता है, लेकिन ये तो लहरों के नीचे एक छुपा हुआ संसार है। ये दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में एक पानी के नीचे का पर्वत श्रृंखला है। कल्पना करो, पहाड़ों की एक ऐसी चेन जिसकी चोटियां पानी की सतह के नीचे डूबी हुई हैं। ये समुद्री जीवन की एक समृद्ध विविधता का घर है। ये सालास ईगोमेज और नाजका रिज सिस्टम का हिस्सा है। ये प्रणाली समुद्र तल में हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। ज्वालामुखी विस्फोट और टेक्टोनिक प्लेटों की गति ने इस पानी के नीचे की दुनिया का निर्माण किया, लेकिन सतह के नीचे यह जीवन से भरा हुआ है। सालास ईगोमेज हमारे महासागरों की अविश्वसनीय जैव विविधता का प्रमाण है। सालास ईगोमेज ईस्ट पैसिफिक राइज के पूर्व में स्थित है। यहीं पर नाजका और प्रशांत टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं। ईस्ट पैसिफिक राइज तीव्र भूगर्भीय गतिविधि का क्षेत्र है। इसने सालास ईगोमेज के पानी के नीचे के परिदृश्य को आकार दिया है। ये पानी के नीचे पर्वत श्रृंखला किसी भी प्रमुख भूभाग से बहुत दूर स्थित है। ये दक्षिण अमेरिका से लगभग 3,210 किलोमीटर पश्चिम में है। यह निकटतम भूभाग ईस्टर आइलैंड से लगभग 390 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इस अलगाव ने सालास ईगोमेज के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सालास ईगोमेज का स्थान इसे भौगोलिक दृष्टि से एक अद्वितीय स्थिति में रखता है। ये विभिन्न महासागरीय धाराओं और भूगर्भीय संरचनाओं से प्रभावित है। ये कारक इसके समुद्री जीवन की विशिष्टता में योगदान करते हैं। सालास ईगोमेज के स्थान को समझना इसके पारिस्थितिक महत्व की सराहना करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह शक्तिशाली भूगर्भीय शक्तियों द्वारा आकार दी गई एक दूरस्थ और अलग थलग दुनिया है। इस अलगाव ने एक अद्वितीय और विविध पारिस्थितिकी तंत्र को जन्म दिया है। सालास ईगोमेज प्रशांत महासागर के उस क्षेत्र में मौजूद है जो अपनी कम उत्पादकता के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र को अक्सर समुद्री रेगिस्तान कहा जाता है। हालांकि सालास ईगोमेज इस उजाड़ वातावरण में जीवन के नखलिस्तान के रूप में सामने आता है। हम्बोल्ट करंट सिस्टम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पोषक तत्वों को सतह पर लाती है। इन चुनौतियों के बावजूद सालास ईगोमेज के आसपास जीवन पनपने का रास्ता खोज लेता है। सालास ईगोमेज और नाजका रिज के आसपास के पानी उच्च समुद्रों का हिस्सा है। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर ये क्षेत्र या ABNJ सभी देशों के लिए एक साझा संसाधन है। हालांकि यह साझा स्वामित्व संरक्षण के लिए चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। चिली और पेरू के पास अपने समुद्र तटों से 200 समुद्री मील तक फैले अनन्य आर्थिक क्षेत्र या EEZ हैं। इन जोनों के भीतर उन्हें समुद्री संसाधनों का प्रबंधन और दोहन करने का अधिकार है। हालांकि सालास ईगोमेज और नाजका रिज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसमें रिज के ऊपर का पानी भी शामिल है, किसी भी EEZ के बाहर आता है। यह इसे उच्च समुद्रों का हिस्सा बनाता है। ये जोनाधिकार जटिलता इन मूल्यवान पारिस्थितिक तंत्रों के प्रबंधन और संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित करती है। उच्च समुद्र एक वैश्विक धरोहर है और उनकी सुरक्षा के लिए सभी देशों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। सालास ईगोमेज की अनूठी जैव विविधता और पारिस्थितिक महत्व इसके संरक्षण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। इसमें उच्च समुद्रों में मत्स्य पालन और खनिज अन्वेषण जैसी गतिविधियों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित करना शामिल है। भाग 5, जीवन का रंगीन पहलू। सालास ईगोमेज समुद्री जीवन की एक उल्लेखनीय श्रृंखला समेटे हुए है। यह पानी के नीचे पर्वत श्रृंखला एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र का घर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पाई जाने वाली कई प्रजातियां इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय हैं। सालास ईगोमेज के अलगाव ने एक आकर्षक घटना को जन्म दिया है, जिसे समुद्री स्थानिकता के रूप में जाना जाता है। स्थानिकता उन प्रजातियों को संदर्भित करती है जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में पाई जाती है और पृथ्वी पर कहीं और नहीं। सालास ईगोमेज की अनूठी पर्यावरणीय परिस्थितियों और अलगाव ने ऐसी प्रजातियों के लिए एक आश्रय स्थल बनाया है। वैज्ञानिकों ने सालास ईगोमेज के आसपास के पानी में कई स्थानिक मछली प्रजातियों की पहचान की है। इनमें ईस्टर आइलैंड बटरफ्लाई फिश, नाजका एंजेल फिश और स्प्लेंडेड पर्च शामिल हैं। ये मछलियां रंगों और पैटर्न की एक आश्चर्यजनक विविधता प्रदर्शित करती हैं। उनकी उपस्थिति सालास ईगोमेज के पारिस्थितिक महत्व को उजागर करती है। हालांकि सालास ईगोमेज का समुद्री जीवन केवल मछलियों तक ही सीमित नहीं है। यह क्षेत्र कई अन्य समुद्री जीवों का भी समर्थन करता है।
इनमें कोरल, स्पंज, क्रस्टेशियंस और मोलस्क शामिल हैं। ये जीव पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 6, महासागरों के लिए एक संधि। हमारे महासागरों की रक्षा के महत्व को पहचानते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय एक ऐतिहासिक समझौते को विकसित करने के लिए एक साथ आया। 2023 में अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में समुद्री जीवन की रक्षा करना है। यह वैश्विक महासागर संरक्षण में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। भाग 7, हमारे समुद्रों की रक्षा करना। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1982 महासागरों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह विभिन्न समुद्री जोनों को परिभाषित करता है, जिसमें अनन्य आर्थिक क्षेत्र और उच्च समुद्र शामिल हैं। हालांकि यूएनसीलोस राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के जोनों में समुद्री संरक्षित जोनों की स्थापना के लिए विशिष्ट तंत्र प्रदान नहीं करता है। उच्च समुद्र संधि उच्च समुद्र एमपीए स्थापित करने के लिए आवश्यक कानूनी उपकरण प्रदान करके यूएनसीलोस का पूरक है। ये संरक्षित क्षेत्र कमजोर समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसमें सालास ई गोमेज में पाए जाने वाले भी शामिल हैं। संधि एक नया निकाय स्थापित करने का आदेश देती है। यह निकाय उच्च समुद्र एमपीए को नामित करने और प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार होगा। यह इन जोनों में समुद्री संरक्षण के लिए एक समन्वित और विज्ञान आधारित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। उच्च समुद्र संधि हमारे महासागरों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि इसकी सफलता प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन पर निर्भर करती है। भाग 8, समुद्र के स्वास्थ्य के लिए एक वैश्विक प्रयास। हमारे महासागरों की रक्षा करना किसी एक राष्ट्र की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। उच्च समुद्र संधि इसे पहचानती है। यह हमारे महासागरों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर देती है। संधि राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है। ज्ञान, संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए यह सहयोगी दृष्टिकोण आवश्यक है। यह संधि के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रदूषण, अधिक मछली पकड़ने और जलवायु परिवर्तन जैसे सीमा पार से होने वाले मुद्दों को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये मुद्दे राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं। इनके लिए समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। उच्च समुद्र संधि संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करती है। यह राष्ट्रों के बीच विश्वास और समझ बनाने में मदद करता है। सतत महासागर शासन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है। भाग 9, सालास, ई गोमेज का भविष्य। उच्च समुद्र संधि सालास ई गोमेज जैसे अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के लिए नई संभावनाएं खोलती है। सालास ई गोमेज को एक उच्च समुद्री संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित करने से इसे सुरक्षा मिलेगी। यह इसकी समृद्ध जैव विविधता को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखेगा।